एक और बड़ी खबर, जहां उत्तराखंड विधानसभा में आज पास हो सकता है यूसीसी बिल। बिल पर आज भी सदन में होगी चर्चा। सीएम धामी ने कल यूसीसी बिल पेश किया था। अब बिल को लेकर जिस तरीके से सदन में चर्चा हो रही है, बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड विधानसभा में पास हो सकता है यूसीसी बिल। उत्तराखंड विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड से जुड़ा बिल पेश करके बीजेपी ने अपना तीसरा प्रण भी पूरा कर लिया है। बिल पेश होने के बाद सदन में जय श्री राम के नारे भी लगे। दिन भर यूसीसी बिल को लेकर चर्चा होती रही। बिल को लेकर विधानसभा में संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, रेखा आर्य, मंत्री सुबोध उनियाल सहित 23 विधायकों ने अपना पक्ष रखा। विपक्ष की तरफ से नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, विधायक सुमित हरद्वेश, हरीश धामी, वीरेंद्र जाति ने बिल पर अपना पक्ष रखा। कांग्रेस के अन्य विधायक आज अपना पक्ष रखेंगे। उत्तराखंड विधानसभा में बिल पर चर्चा होने के बाद इस पर वोटिंग कराई जाएगी। वोटिंग के बाद इसे राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। राज्यपाल की मंजूरी मिलते ही राज्य में यूसीसी कोड लागू हो जाएगा और इसके साथ ही यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन जाएगा। उत्तराखंड विधानसभा में पेश हुए यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल को लेकर हर किसी के मन में कई तरह के सवाल हैं। हर कोई ये जानना चाहता है कि 749 पन्नों की रिपोर्ट के आधार पर तैयार बिल में आखिर प्रावधान क्या है। 60 सेकंड की इस रिपोर्ट में आप जानेंगे। बिल में विवाह को लेकर क्या बदलाव किए गए। बहुविवाह पर पूरी तरह से रोक लगाई गई है। शादी का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। शादी का रजिस्ट्रेशन नहीं कराए तो क्या होगा। सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। लड़कियों की शादी की उम्र को लेकर क्या प्रावधान है। सभी धर्मों में शादी के लिए लड़की की न्यूनतम उम्र 18 साल निर्धारित की गई है। यूसीसी बिल से तलाक को लेकर क्या बदल जाएगा। सभी धर्मों में तलाक की एक समान व्यवस्था रहेगी। पर्सनल लॉ के तहत तलाक प्रतिबंधित होगा। मुस्लिम धर्म में हलाला और इद्दत पर रोक रहेगी। उत्तराखंड यूसीसी बिल पास होने के बाद किन लोगों पर लागू होगा। बिल में प्रस्तावित प्रावधान उन लोगों पर भी लागू होंगे जो उत्तराखंड के तो नहीं है लेकिन एक साल से ज्यादा समय से राज्य में रह रहे हैं। बिल के प्रावधान उत्तराखंड के उन लोगों पर भी लागू होंगे जो दूसरे राज्यों में रह रहे हैं। कानून से किसे छूट रहेगी। जनजातीय यानी आदिवासी समुदाय को इस कानून के दायरे से बाहर रखा गया है। लिव इन रिलेशनशिप को लेकर बिल में क्या प्रावधान है। लिव इन में रहने वालों को रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। माता पिता को इसकी जानकारी देनी होगी। बच्चा गोद लेने पर क्या होगा। मुस्लिम महिलाएं भी बच्चा गोद ले सकेंगी। बच्चा गोद लेने की प्रक्रिया आसान होगी। और उत्तराखंड के बाद राजस्थान और यूपी में यूसीसी लाने के प्लान को लेकर बड़ी खबर। राजस्थान और यूपी के मंत्रियों का यूसीसी पर दावा। जहां राजस्थान के मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने कहा राजस्थान विधानसभा में यूसीसी को लाएंगे, वहीं यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि यूसीसी हमारे लिए वैचारिक मुद्दा। कन्हैयालाल चौधरी मंत्री राजस्थान, यूसीसी को विधानसभा में लाएंगे। राजस्थान यूपी में भी यूसीसी लाने का प्लान। केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम यूपी, यूसीसी हमारे लिए वैचारिक मुद्दा। हिंदुस्तान के सबसे इम्पोर्टेंट, एक देश में दो कानून चल नहीं सकते। ये किस तरह से चल रहे थे, बाकी एक देश में एक ही कानून होना चाहिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। मेरी पूरी इच्छा है, क्योंकि मैं वार्ता करने के बाद में बता पाऊंगा, बाकी 100% राजस्थान की विधानसभा में ये लागू होगा, पारित करेंगे और राजस्थान में नहीं पूरे भारत में लागू होगा। मैं उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी सरकार के मुखिया श्री पुष्कर सिंह धामी जी और उनकी पूरी सरकार को यूसीसी लाने के लिए बधाई देता हूं। भारतीय जनता पार्टी ने धारा 370 हटाने का वादा किया, पूरा कर दिया। रामलला का भव्य मंदिर बनाने का वादा किया, पूरा कर दिया। यूसीसी लाने का वादा किया हुआ है देश की जनता से। भाजपा का विचार का मुद्दा है और आज उत्तराखंड यानी देवभूमि से शुरुआत हुई है। आने वाले समय में मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी जो विचारधारा से जुड़े हुए विषय हैं वो आगे बढ़ेंगे। यूसीसी बिल को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ। इस पर AIUDF के अध्यक्ष बदरुद्दीन अजमल ने साफ कहा कि यह चलने वाला नहीं है। वहीं मुस्लिम धर्मगुरु साजिद रशीदी ने कहा क्या मुस्लिमों को कुर्बानी देनी होगी। CPM लाए, वेस्ट बंगाल लाए, महाराष्ट्र लाए, गलत जो है वो गलत है। आज इनका चढ़ता हुआ सूरज है। ये चढ़ता हुआ सूरज खुद बताता है कि यूसीसी दुनिया में चलने वाला नहीं है। जो लोग भी आज सर इनका चढ़ रहा है उनको मानना चाहिए 2 घंटे के बाद सूरज डूबने वाला है। ये रह ही नहीं सकता, नेचर का कानून नहीं है। धर्म जात को लाना ही नहीं है, ये नेचर के खिलाफ है। क्रिमिनल लॉ में तो किसी ने इख्तलाफ नहीं किया, ये नेचर के खिलाफ है, ये रोएंगे। मुसलमानों को संवैधानिक तरीके से बाहर निकलना पड़ेगा।
हम सड़कों पे आए, जैसे किसान आए, मुसलमानों को भी कुर्बानी देनी पड़ेगी। अगर मुसलमान कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं है, हम जो हमारा जो संवैधानिक अधिकार है, हम सड़कों पर निकलें और सरकार के खिलाफ हम सामने आएं और आकर ये बताएं और जताएं कि अगर हमारे धर्म पर किसी तरह का कोई अटैक करने की कोशिश की गई तो मुसलमान अब खामोश नहीं रहेगा।